कश्मीर दौरे से लौटे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीएम को कश्मीर के हालातों और दौरे की पूरी जानकारी दी। 20 पार्टियों के 26 सांसदों के दल का नेतृत्व करने वाले राजनाथ सिंह ने कहा कि यह कहना गलत होगा कि दौरा विफल रहा। सूत्रों के मुताबिक अब सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य दो दिवसीय यात्रा के निष्कर्षों पर चर्चा के लिए यहां बैठक करेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए भावी योजना बनाएंगे। आपको बता दें कि घाटी में शांति बहाली की कोशिश के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल रविवार को कश्मीर गया था। इस दौरान उन्होंने कई वर्ग के लोगों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल के कुछ नेता हुर्रियत नेताओं से भी मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा। जिसके बाद राजनाथ सिंह ने कल अलगाववादियों पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि उनका रवैया लोकतंत्र, मानवता और कश्मीरियत के खिलाफ है। कश्मीर में अभी भी कई जगहों पर हालात तनावपूर्ण हैं। इस बीच सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने भी शांति बहाली की कोशिश की, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे निकल कर नहीं आए। ऐसे में अब सरकार आगे क्या रणनीति अपनाती है, ये देखना फिलहाल बाकी है। देखते रहिए टीवी लाइव।